और पंजाब में 11 मार्च को चुनाव के नतीजे घोषित होने वाले हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, पंजाब में तो युवाओं ने जो भी अपना मत दिया है वो पीएटी के अंदर जा चुका है, मशीन के अंदर जा चुका है। तो मेरे ख्याल तक पंजाब के लोगों के इस बार थर्ड ऑप्शन जो है ना, तीसरी पार्टी, मेरे ख्याल तक हो सकता है पंजाब में एक आम आदमी पार्टी जो उभर के एक नया चेहरा बने। अच्छा, और हो सकता है युवाओं ने एक अच्छी सोच अच्छी पहल की हुई है तो आम आदमी पार्टी वहाँ पे आ सकती है। और उत्तर प्रदेश का तो फिर चार भाग हैं, उत्तर सात भागों में मतदान हुआ, तो वहाँ तो कुछ कह नहीं सकते। बहुजन समाज पार्टी भी आ सकती है और भारतीय जनता पार्टी भी आ सकती है, तो 11 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ यूपी पंजाब के साथ साथ और भी राज्यों में चुनाव हुए, उनके भी नतीजे आने वाले हैं, तो इनके उस आप पे क्या मतलब असर पड़ेगा आम जनता के ऊपर? मेन तो देखो यूपी का असर सब पे पड़ेगा, क्योंकि यूपी से राज्यसभा सांसद आएंगे। हर पार्टी चाहती है, क्योंकि केजरीवाल भी यही चाह रहे हैं कि अगर पंजाब में उनकी सरकार बन रही है तो उनके बाद राज्यसभा सांसद आ जाएंगे। राज्यसभा सांसद आ जाएंगे तो वो केंद्र सरकार को घेराव कर सकते हैं। अच्छा, बीजेपी खुद चाह रही है कि अपने मुद्दों को आगे मतलब स्टेब्लिश करने के लिए, सही करने के लिए उनको राज्यसभा में सांसद चाहिए, उनके पास है नहीं। अच्छा, तो बीजेपी अपना पूरा जोर लगाएगी कि भाई हम यूपी में आ जाएं। अच्छा, तो यही है, देखते हैं 11 तारीख को सबको पता चल जाएगा कौन जीतेगा, किसकी विक्ट्री होगी ना, ये तो सब। चलो।